हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम आपको आलू मसाला सिखा रहे हैं जो आप परांठे के साथ खा सकते हैं। भटूरे चने अगर बनाए हैं तो उनके साथ भी ये मसाला आलू बना सकते हैं। एक साइड डिश के रूप में बहुत टेस्टी लगते हैं ये। मैं ज्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 10 से 11 मीडियम साइज के आलू मैंने लिए हैं। उनको बॉइल कर लिया है और इस तरीके से आप देखिए इनको कट कर लिया है। अगर आपके ज्यादा बॉइल हो जाए तो मैं आपको यहाँ टिप देना चाहूंगी कि आप उसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, फिर उसको चॉप करें, कट करें। तीन बड़े साइज के प्याज हैं जिनको मैंने ऐसे काट लिया है, स्लाइस में कट कर लिया है। दो टोमेटो हैं इस तरीके के, उनके पीस करके मैंने उनके सीड्स रिमूव कर दिए हैं। दो से तीन हरी मिर्च आप ले सकते हैं, इस तरह से बड़ी हरी मिर्च थी तो बीच में से कट कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। आधा नींबू यूज करेंगे। दो सूखी लाल मिर्च है, एक चम्मच जीरा है, कटा हुआ हरा धनिया है, ये आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। बाकी धनिया बहुत अच्छा लगता है आलू में। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, एक बड़ा टेबलस्पून धनिया पाउडर है, ये अचार का मसाला जो आम के अचार का मसाला सूखा आता है, एक चम्मच हमने वो लिया है। दो चम्मच हमने भुना जीरा लिया है, क्योंकि आलू ज्यादा है इसलिए मसाले ज्यादा है, आप अपनी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। ये मैंने 1/4 चम्मच हींग लिया है और ये गरम मसाला है, एक चम्मच घर का कुटा हुआ गरम मसाला है, और नमक है स्वाद के अनुसार, और चाट मसाला है एक चम्मच। थोड़ा सा आप अमचूर भी यूज कर सकते हैं। दो से ढाई टेबलस्पून हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसको पहले गरम कर लिया था और अब फिर से इसको गैस को ऑन किया है ठंडा होने के बाद। इसमें डाल रहे हैं हम जीरा, एक चम्मच जीरा। जीरा इसमें बहुत टेस्टी लगता है। और इसमें डाल देंगे साथ साथ हम प्याज कटा हुआ, और प्याज डालने के बाद दो सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और इसको हम चलाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें। मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आता है। ये देखिए इस तरह से प्याज भुन रहा है, इसको बार बार चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैश हो जाता है। गैस को धीमा करके और हमें ब्राउन होने तक पकाना है इसको। ये देखिए इतना ब्राउन हमें प्याज करना है, हो गया ना काफी ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो, हरी मिर्च, मिक्स करेंगे। एक दो मिनट ही हमें करना है, ज्यादा सॉफ्ट टोमेटो नहीं करना है, बस हल्का सा कच्चापन खत्म हो। नमक डालेंगे इसमें थोड़ा सा। ये देखिए तैयार हो गया। इसमें हम डाल रहे हैं आलू, कटा हुआ आलू, और इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। पहले इस पे सारे मसाले डाल देंगे, धनिया डाल देंगे कटा हुआ, जो भी मसाले हैं वो सारे इसमें डाल देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इतने सारे मसाले हैं, टेस्टी लगेगा। और नींबू मैं डाल रही हूँ इसलिए इसमें अमचूर नहीं डाल रही हूँ, अचार का मसाला भी है। आपके पास नींबू नहीं है तो आप अमचूर यूज कर सकते हैं। ये डालेंगे हम नींबू का रस, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत टेस्टी ये लगने वाले हैं। हल्के हाथ से चलाते हुए हम इनको मिलाएंगे ताकि टूटे नहीं। हमने यहाँ पर इसको मिक्स किया है, आप देख सकते हैं। अब मुझे थोड़ा सा अचार का मसाला कम लगा क्योंकि आलू की क्वांटिटी ज्यादा है, तो एक चम्मच अचार का मसाला मैंने और डाला है और एक चम्मच भुना हुआ जीरा और इसमें ऐड किया है। आप देखिए कितना कलरफुल, कितना सुंदर ये लग रहा है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी इस स्टेज पर आप चेक कर लेंगे। अगर कोई भी चीज आपको कम ज्यादा लगती है, मसाले तीखे नहीं खाते हैं तो आप कम कर सकते हैं। ये पुष्प वाला अचार का मसाला है और ये बिल्कुल परफेक्ट बैठा है इसमें। तो एक दो मिनट हम ऐसे फ्राई करेंगे, बस कम चलाएंगे और निकाल लेंगे। दो मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे।
ताकि वो जो अरोमा है उसमें मसालों का वो रच जाए, बस जाए उसके अंदर। दो मिनट हो गए हैं और ये देखिए क्या कलर सब्जी का आया है। थोड़ा सा और धनिया हम स्प्रिंकल कर देंगे, हरी मिर्च है, लाल प्याज है, ब्राउन प्याज है, लाल टमाटर है, आलू है, बहुत टेस्टी। तो इसकी प्लेटिंग करते हैं और ये देखिए हमारी ये यमी सी सब्जी बनकर तैयार है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे। और आपको मैं यहाँ दिखाऊं, ये आलू बिल्कुल भी मैश नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने ये टिप के साथ बनाए हैं। और टिप क्या थी कि हमने आलू को उबलने के बाद, कट करने के बाद फ्रिज में रख दिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।